न्यूमेरिकल चल रहे हैं, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। तो देखो, आई प्लस टू जे प्लस के, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप के अनुदिश एकांक सदिश होगा, ठीक है। ये ऐसा जनरली वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं छोटा सा कि एकांक सदिश क्या होगा। तो जनरली ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होता है एकांक सदिश, केवल सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है एकांक सदिश, ठीक है। तो जो सदिश हमको दे रखा है वो सदिश लिख दिया हमने, बटे सदिश का परिमाण, ठीक है। सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, ये जो दे रखा है सदिश, इसमें कुछ नहीं करना है, अंडर रूट सबके आप वो लेते जाइए गुणांक। आई के साथ क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है, दो, तो दो का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो एक है ना, तो एक का स्क्वायर, बस एक का स्क्वायर एक, प्लस दो का स्क्वायर चार, प्लस एक कितना हो गया, छः, ठीक है, बस रख दिया, हो गया एकांक सदिश आ गया, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, एक कण पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं जो कि परस्पर कैसे हैं, लंबवत कार्य कर रहे हैं ना। इस लंबवत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो परिणामी बल का परिमाण व दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले निकालते हैं परिणामी बल का परिमाण, ठीक है। तो इसका सूत्र है आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, वो जो कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या रखेंगे हम, जो हमारे जो दो बल कार्य कर रहे हैं वो किस एंगल पे कार्य कर रहे हैं, वो एंगल लगेगा थीटा में। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल कैसे हैं परस्पर लंबवत, लंबवत यानी कि थीटा क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री। तो बस वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो आगे हमारा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos 90 है ना। यहाँ पे ये भाई साहब थोड़ा कट गया है, ये क्या है, cos 90 है ना, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सभी को मालूम होगी, हाँ नहीं हो तो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ वो वैल्यू वाला चार्ट। वैसे तो सब ने 10th तक गणित पढ़ी है इसलिए सबको मालूम ही होगा, पर कुछ भूल गए हों भाई साहब तो 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इसके अंदर हम इधर लेते हैं साइन वाली वैल्यू है, साइन की वैल्यू में, और इधर ले लेते हैं कॉस की, ठीक है। कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू हम सीधे लिखते जाएंगे और उसी का उसको विपरीत दिशा में लिख दिया जाए तो कॉस की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू लिख देते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और 90 की वैल्यू 1, ठीक है। और इसी को आप उल्टी दिशा में लिख दीजिए तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 1/√3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0। तो रख दिया हमने √9 + 16 + 0, तो क्या हो गया 25, 25 का क्या आ गया √5, तो आर हमारा कितना आ गया 5, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका परिणामी रिजल्टेंट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, टेन अल्फा यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन का आपने सूत्र क्या लिखा, हमने q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा, q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। जब भी कभी भी आप कुछ भी न्यूमेरिकल अगर करें, कुछ नहीं आता हो भले, मतलब समझ में नहीं आ रहा है सपोज कोई न्यूमेरिकल, तो जो भी सूत्र याद है उस संबंधित, आपको जो भी आसपास लग रहा है कि हाँ मतलब न्यूमेरिकल में ये पूछा है इसका मतलब कम से कम इसका फॉर्मूला तो ये है, तो आप फॉर्मूला तो पहले चिपका ही दें जरूर, ठीक है ना। और आप फॉर्मूला लिखेंगे और सवाल को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग ही जाएगा कि क्या करना है, ठीक है, इसलिए कभी घबराने का नहीं। शुरू करते हैं, टेन अल्फा बराबर क्या कर दिया हमने, क्यू और पी की वैल्यू रख दी और थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री, बस। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1,
और कॉस 90 की 0, बस सारी वैल्यू रख दो, आ गया वेन मान, मान आ गया आपका टेन अल्फा बराबर 4/3 यानी कि 1.33। अब यहाँ पर बात आती है भाई साहब कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1.33 यानी कि 53.1 डिग्री आंसर आया है। तो ये तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तभी आप निकाल पाएंगे, बाकी तो आपको हम आना ही नहीं है कि टेन अल्फा मतलब टेन टेन इनवर्स 1.33 की वैल्यू। तो कोई बात नहीं, अगर एग्ज़ाम में अगर या तो शायद अलग से भी दे रखते हैं आंसर कोष्टक में, अगर नहीं दिया हो तो मतलब जहाँ तक भी आपने निकाला है वहाँ तक सही है, ठीक है ना। टेन इनवर्स 1.33 तक भी अगर नहीं दे रखा है तो यहाँ तक भी निकाला तो सही है, ठीक है। एक्चुअल आपने ये आ गया हमारा दिशा, इस डिग्री से इस दिशा में वो जो रिजल्टेंट परिणामी बल है लग रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं पिंड पर कार्यरत बल, एफ बराबर ये है और विस्थापन डी आर बराबर ये दे रखा है। तो कार्य की गणना और बल व विस्थापन के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको सीधा सा पहले जैसे ही कार्य बोला तो कार्य का पहले हमको सूत्र दिमाग में आना चाहिए, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, कार्य बराबर एफ डॉट डी आर, बस इसमें हमने एफ की वैल्यू रख दी, डी आर की वैल्यू रख दी और इनका क्या करा दिया, डॉट गुणा। अब भाई साहब आपको डॉट गुणा आना चाहिए, अदिश गुणन, ये अदिश गुणन और सदिश गुणन हम 2 बार अलग अलग वो जब भी चैप्टर्स में वीडियो में आया होगा तब हम देख चुके हैं, नहीं देखा हो तो एक बार कृपया देख लीजिएगा, अभी अपन एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। डॉट गुणा में अभी कर रहे हैं तो क्या करना है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या होता है आई आई जे जे और के का ही गुणा करते हैं, बाकियों का गुणा वैसे ही 0 होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आई का जे के साथ या आई का के साथ तो वैसे ही डॉट गुणा क्या हो जाएगा आपका 0, केवल आई के साथ जे के साथ और के के साथ डॉट गुणा करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम गुणा करा रहे हैं आई का आई से, तो आई डॉट आई हमेशा हमारा क्या होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे आई डॉट माइनस आई है तो क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 आ गया। अब किससे करा रहे हैं जे का 2j से, तो जे डॉट जे तो क्या होता है 1, ठीक है, और इस जे के साथ क्या है 2। तो जे के साथ हो गया तो क्या आ गया भाई साहब आपका 2, और वैसे ही के का के साथ करोगे तो क्या आएगा, इसका इसके साथ करा रहे हैं तो सीधी सी बात है -2k है डॉट -k है ना, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया गुणा हो गया तो प्लस हो गया, प्लस का और इसका 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, और इसके आगे क्या है 2, 2 × 1 तो क्या आ गया प्लस का 2, ये आ गया भाई देख लो है ना। इसको क्या किया हमने 2 और 2 4 और 1 गया तो 3, ठीक है। तो कार्य हमारा आ गया। अब देखो कॉस थीटा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, मध्य का कोण निकालना है, इसलिए हम क्या निकालते हैं बल विस्थापन के मध्य का कोण निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाओ कॉस लगाओ पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले मतलब थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करें तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं करना है, ये हमने मोड लगाए हैं है ना, ये और ये मोड लगाए हैं, इसका मतलब क्या होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे, है ना, माइनस की यहाँ पे कोई औकात नहीं रह जाती है, ठीक है। सॉरी माइनस। तो एफ और जो डी आर है हमारे दोनों, उनका क्या किया हमने डॉट गुणा जो ऊपर हमने कर रखा है सीधा की सीधा वैल्यू रख देंगे, आ जाएगी 3 है ना, और नीचे क्या करना है दोनों के परिमाणों का गुणा, ठीक है। तो दोनों सदिशों का परिमाण निकालना आपको आ गया है, तो दोनों सदिशों का परिमाण निकाल दीजिए, उनका नीचे गुणा करा दीजिए, सॉल्व कर दिया 3/6 1/2 कॉस थीटा बराबर 1/2 यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2
तो थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2 किस पे आता है, अभी हमने चार्ट में देखा, अभी मतलब बनाया देखा ना, तो उसके अंदर क्या आया, 60 डिग्री पे आपका 1/2 आता है, ठीक है। आगे वैल्यू फर्जी एकदम। आगे देखते हैं, रेखीय संवेग पी दे रखा है हमको और किसी बिंदु आर पर स्थित कण पर कार्य कर रहा है, चलो ठीक है। मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस वे वही बात है, वहाँ कार्य निकाला था हमने W बराबर एफ डॉट डी आर, तो वहाँ पे क्या किया था, डॉट गुणा एफ डॉट डी आर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, जिसका सूत्र J बराबर आर क्रॉस पी है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रॉस गुणा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, पहली बात सूत्र याद रखना है और दूसरी बात डॉट गुणा क्रॉस गुणा कैसे करते हैं। डॉट गुणा देख लिया, क्रॉस गुणा भी देख लेते हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो क्रॉस गुणे में कुछ नहीं है, क्रॉस गुणा हम किसकी सहायता से करते हैं, सारणिक की सहायता से, एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है। सारणिक बनाया, ठीक है, इसमें आई जे के, ठीक है, आई जे के ले लिया, उसके अंदर आर क्रॉस पी, तो आर के गुणांक लिख दो पहले, तो आर के गुणांक क्या है, ये रहा आपका आर, ठीक है ना, बस ये आर के गुणांक लिख दो, 2, 1 और 3, ठीक है। और वैसे ही ये रहा आपका पी, पी के गुणांक देख लो, 1 -2 और 5, बस ये रख दिया। अब सारणिक सॉल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो वो भी देख लो। ये भाई साहब, ये और ये आई का जब निकाल रहे हैं हम, आई का, तब तो ये और ये हम नहीं देखते हैं और क्या करते हैं, 5 का गुणा 1 से माइनस -2 का गुणा 3 से, है ना। तो आई लिखा आगे पीछे 5 का गुणा 1 से, यानी कि 5 माइनस, ये रहा माइनस, और -2 का गुणा 3 से, तो -2 का गुणा 3 से, यानी कि 3 दूनी -6, तो -6 फिर माइनस और 5, है ना, ध्यान रखना। ये आया हमारा आई, ठीक है। फिर कैसे चलता है ये, पहले मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है एक के बाद एक, है ना। तो अब क्या लेंगे बीच में, जे के आगे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम मतलब जल्दी जल्दी में कर देते हैं और आते हुए भी गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा शांति से। तो जे के आगे माइनस और क्या हो गया, अब हम क्या नहीं लेंगे, ऐसे ये और ये, यानी एज अ टी बन रहा है, ये नहीं लेना है, इनको नहीं देखना है। तो क्या देखेंगे, 5 5 × 2 5 × 10 - 3 × 1 - 3, 10 - 3, ठीक है। अब क्या आएगा, के क्या आगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस ऐसे चलेगा, है ना, तो के आगे क्या आ गया, प्लस। और अब क्या, किसको नहीं देखेंगे, ये ऐसे, इनको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब किसका गुणा होगा, -2 × 2, क्या आ गया आपका, -4, -1 × 1, यानी कि -4 - 1, ठीक है। बस हो गया, क्या आ गया, 11 i - 7 j + k इंटू -5, यानी कि -k - 5 k, बस हो गया। ये आ गया आपका j आ गया, और इसका अपने को क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, परिमाण निकाल दो, कोणीय संवेग का मान निकालना, हाँ इसका मतलब इसकी, इसका परिमाण निकाल दो तो वह इसकी वैल्यू आ जाएगी, बस इसका परिमाण निकाल दो, वो भी आपको आता है, इजी है ना। सबका वो गुणांक ले लो, उनका स्क्वायर करके जोड़ के और उनका अंडर रूट कर दो, तो वो आ गया आपका वैल्यू, बस ख़त्म। और आगे देखते हैं, छोटी छोटी गलतियां ना करें, थोड़ा आराम से करें तो हो जाएगा, ठीक है। किसी क्षण टी पर कण की स्थिति का समीकरण दे रखा है हमको, x = 4t² + 6t + 5, ठीक है। तो कण का प्रारंभिक वेग, तो कण का प्रारंभिक वेग यानी कि हमको क्या दे रखा है, x, x यानी कि क्या है ये, विस्थापन भी बोल सकते हो, दूरी भी बोल सकते हो एक प्रकार से, है ना। तो
अब दूरी का एक बार इतना सा बात समझ लेना कि दूरी का एक बार अवकलन करो तो वेग आता है, और उसी वेग का एक बार और अवकलन कर दो तो त्वरण आता है। कहने का मतलब दूरी का एक बार अवकलन करो तो वेग आता है, और उसी दूरी का दो बार अवकलन करो तो त्वरण आता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, वेग पूछा है। तो बस 40² + 60+5 का हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो 40² का क्या हो गया, 8t + 60 का 6, और 5 कांस्टेंट है, गायब हो गया। तो क्या बचा, वेग क्या आ गया आपके पास, 8t + 6। ये समीकरण मेन है, ठीक है, इससे हम सारे वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाला है, क्या क्या पूछा है, देखो वेग पूछा है हमको, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी कि जब टी क्या है, 0 है, शुरू में टी क्या होगा, 0। तो बस टी बराबर 0 रखा, वैल्यू निकाल दी, प्रारंभिक वेग आ गया। टी बराबर 2 सेकंड पे वेग पूछ रहा है, तो टी की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, ये रख दिया, फिर वेग की वैल्यू आ गई। फिर कण का त्वरण पूछ रहा है, त्वरण यानी कि वही मैंने कहा कि उसी समीकरण का आप क्या कर दो, वेग जो आया उसका क्या कर दो, एक बार और अवकलन कर दो तो त्वरण आ जाएगा। तो एक बार अवकलन कर दिया, 8t + 6 का 6 कांस्टेंट हट गया, 8t का क्या बचा, केवल 8। तो 8 क्या आ गया आपका, त्वरण। ठीक है, पीछे मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक भी चिपका दे, m/s². ठीक है, और क्या बचा भाई, कण का टी बराबर 3 सेकंड पर विस्थापन। विस्थापन यानी कि वही जो एक्स बराबर आपकी समीकरण दे रखी है, उसी में सीधा केवल टी की जगह क्या रखना है, 3 रख दो, तो एक्स बराबर वैल्यू आ गई। ठीक है, वेरी इजी। एक बार पेन चलाएं, हाथ चलाएं, जब तक हाथ नहीं दौड़ेगा तब तक दिमाग नहीं दौड़ेगा, इसलिए पहले हाथ दौड़ाएं, दिमाग अपने आप दौड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी रॉकेट जो हम नेक्स्ट वीडियो में उड़ाएंगे, थोड़ा लेंदी है, अच्छे से आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।